वेलकम टू खन्ना न्यूज लाइव। खन्ना विखे आईलेट सेंटर मालका ने घर अंदर गैर कानूनी तरीके नाल आईलेट्स दियां क्लासां लगाउण वालियां खिलाफ कार्रवाई की मंग की, जिसनू लैके SSP रवि कुमार नू मंग पत्र दिता गया। SSP ने इस मामले विच लोड़िंदी कार्रवाई का भरोसा दिता। आईलेट सेंटर मालका ने कहा कि वह लखां रुपए लगा के पंजाब सरकार नू टैक्स दे के लाइसेंस प्राप्त करन मगरों सेंटर चला रहे हैं। इसके उल्ट घर अंदर क्लासा ला के जिथे सरकार का नुकसान किया जा रहा है उत्थे ही उन्होंने भी घाटा पै रहा है। पंजाब पुलिस ने बिना लाइसेंस क्लासा लगाने वाले खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंग की। उत्थे ही SSP रवि कुमार ने कहा कि वह कानून मुताबिक बनती कार्रवाई करेंगे। असी जिहड़ा ये अज SSP साहब को रिक्वेस्ट लैके आए थे अलग अलग इंस्टीट्यूट तो बाकी GTV मार्केट तो वो इस संबंधी सगा कि जोड़े लोग घर IELTS इंग्लिश तो बाकी होर एग्जाम्स दियाँ क्लासेस दे रहे हैं। देखो सानू किसी नाल कोई गिला शिकवा नहीं है, हर एक बंदे नू काम करन दा हक आ, लेकिन एक एथिक्स होंगे ने काम करन दे, वो एथिक्स हरेक नू फॉलो करने चाहिए ने। उही असी मंग लैके SSP साहब को अज आए थे कि जिहड़े लोग बिना लाइसेंस तो, देखो जदों पंजाब गवर्नमेंट ने लाइसेंस बनवाने से सानू पता असी सारे किन्ने औखे हुए हैं, सानू सारयां नू लाइसेंस बनवाने पए, तां असी सारे लाइसेंस लैके लीगली काम कर रहे हैं। तो जिहड़े लोग घर दे विच बैठे ने, घर दे विच ओह एडवरटाइज़ कर रहे हैं, खुल के अखबारों के परचे आ रहे हैं कि जी तुसीं घरे आ के साडे कोल इत्थे IELTS दीआं क्लासेस लगाओ, तां उह च बच्चों का लॉस तो है ही है, तो साढ़े बिजनेस का भी लॉस है, ये कोई शक नहीं है, क्योंकि ना तो इन्हों कोई लाइसेंस है जिहड़े घर च पढ़ाउंदे ने, तो ना इन्हों को प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो असी एडिया एडिया बिल्डिंगा लैके एडा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के एडे हैवी रेंट पे करते हैं, तो उही असी बेनती लैके SSP साहब को आए थे भी इन्हों लोगों नू थोड़ा जिहा रोकया जाए, जां तां अपने लाइसेंस लैण आके GTV मार्केट इंस्टीट्यूट ओपन करन, सानू तां कोई प्रॉब्लम नहीं, साडी एसोसीएशन का हिस्सा बनन, असीं तां मोस्ट वेलकम करते हैं, लेकिन घर च बैठ के बिजनेस नू ना ढाह लाउण, साडे नू COVID-19 ने तां पहलां ही बहुत हाल माड़ा किया होया। तो उही बस मंग लैके आए थे जी कि SSP साहब ने सानू पूरा भरोसा दवाया भी बिल्कुल जिहड़े बिना लाइसेंस तो घर क्लासेस दे रहे हैं, तो ओबवियसली उन्होंने बुला के उन्होंने क्वेश्चनिंग की जाऊगी और उन्होंने ये ना करन दे लई परजया जाऊगा। लॉस तो जी हुण तुसीं देखो भी जे 10 बच्चे GTV मार्केट चाहते हैं तो 10 के विचों जे 5 इन्हां वल नूं चले जाते हैं जिहड़े घर पढ़ाते हैं, तो मगर 5 रह गए, तो तुसीं देखो GTV मार्केट किन्ने इंस्टीट्यूट्स ने, तो फिर वो 50% ला लो तुसीं, 50% तो ओबवियसली होंगे। और दूजी गल है ना जिहड़ियां इन्हां दीआं फीसां ने, वो फीसां देख के स्टूडेंट लालच आउंदा, क्योंकि इन्हां दीआं दे चार्ज नथिंग लाइक राइट, किहड़ी क्वालिटी ऑफ ट्यूशन वह प्रोवाइड करते हैं, किहड़े रिजल्ट्स उन्हां दे आउंदे ने, बच्चा एक बार लालच नूं चले जाता भी मेरा 8,000 रुपया बचता, मेरा 7,000 रुपया बचता, लेकिन वो ये नहीं सोचता है भी जे मेरा बैंड स्कोर ना आया, जे मेरा प्रॉपर रिजल्ट ना आया, तो मैं 15,000 रुपया IDP नूं दे के टैस्ट डेट दुबारा लैनी पैनी है, तो 30,000 तो उही हो गया ना जी, तो बस वो मिसगाइड होकर इन्हों को जाई जाते हैं। तो बस यही है जी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नाल भी कॉम्प्रोमाइज़ होंदा, बच्चों का टाइम भी वेस्ट होंदा, बच्चों के पैसे भी वेस्ट होंदे ने, उस चीज़ नूं लैके असी अज इत्थे SSP साहब को आए सी। किन्ने क सर सेंटर जिहड़े हैगे ने शहर दे विच चल रहे ने? इहदी देखो जी कोई गिणती नहीं हैगी, कल्ले खन्ने शहर दे विच नहीं, लोग घरां च पढ़ाउण लगे हुए गली महल्लियां दे विच, जिन्ने खन्ने दे नाल लगदे पिंड ने, पिंडां दे विच भी लोगों ने यह काम स्टार्ट किया होया, अपने घरां दे विच बैठ के क्लासेस लाउंदे ने, तां इह तां बेअंत गिणती है जी, 100+ तां ईजीली होगा। देखो जिहड़े हुण घर दे विच बैठ के पढ़ाउंदे ने जी, जिहड़ा क्लास दा एटमोसफीयर हुंदा ओह करे जी कदे कोई बंदा क्रिएट नहीं कर सकदा, तुसीं सोफियां ते बिठा के लिविंग रूम दे विच ओह क्लास वाली फीलिंग स्टूडेंट नूं नहीं दे सकदे हैगे, जिहड़ी इक फॉर्मल ट्यूशन हुंदी है विच वी प्रोवाइड, एंड ऑन दी अदर साइड आपां नूं नहीं पता आ किन्ने जणे प्रोफेशनल्स ने किन्ने जने नॉन प्रोफेशनल्स ने, ठीक है। हुण सानूं इन्ने साल हो गए काम करदिआं नूं, मैनूं इट्स बीन 24 ईयर्स आई एम इन टू दिस, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ SSP ਆਫਿਸ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। बेसिकली इनका ये कहना है कि आईलेट सेंटर है वो लाइक प्रॉपर लाइसेंस के साथ ऑपरेट करता है, बट यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ ग्रुप्स हैं जो अपने घरों में आईलेट्स का प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो इनका कहना है कि ये लॉज का वायलेशन है, ये पंजाब ट्रैवल प्रोमोशन रेगुलेशन एक्ट के रूल्स का वायलेशन है, तो इसके तहत ही हमें अप्रोच किए थे कि उसको बंद कराया जाए और उसके खिलाफ जो बनती कानूनी कार्रवाई है
वो की जाए। तो लॉज को देखते हुए, रूल्स को देखते हुए जो बनता होगा वो पुलिस सख्त से सख्त एक्शन लेगी। खन्ना तो परमजीत सिंह धीमान की खास रिपोर्ट।